जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी के भी अगर कैटेगरी देखेंगे तो एक होता है रोम, एक होता है रैम, एक होता है कैश मेमोरी। और सेकेंडरी में चले जाएंगे तो वो हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क हो जाएगा, एक SSD अभी मॉडर्न में आ गया है, पेन ड्राइव हो गया, और आपका पहले यूज होता था फ्लॉपी। इन सब के बारे में अंतर समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि ये GPU और CPU में क्या अंतर होता है और ग्राफिक्स किस तरह से किसी चीज़ के वीडियोज क्वालिटी को किस तरह से इन्हांस कर देते हैं। इस सबसे क्वेश्चन अभी NTPC में काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है, मतलब कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोम मेमोरी को। रोम मतलब क्या होता है भाई? रीड ओनली मेमोरी, मतलब टुकुर टुकुर पढ़िए इसको, मतलब ये केवल आपको पढ़ने के लिए दिया है, तो इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये बड़े साइज का होता है, काले रंग का, इसमें बकटुआ, इससे नोक निकला रहता है, इसे देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का रहता है, इससे नोक निकला रहता है। ये मदरबोर्ड में इंस्टॉल रहता है, जैसे ये ना आपका मदरबोर्ड में क्या रहता है, इंस्टॉल रहता है। यहाँ पर मदरबोर्ड में ही तो सब कुछ रहता है, इसलिए तो इसे मदरबोर्ड कहते हैं, पिछले क्लास में समझाई दिए थे। यहाँ पर ये केवल पढ़ने के लिए काम आता है, इसमें हमारे यूज का ये नहीं रहता है, जो कंपनी इसे बनाई है ना वो उसको कुछ सिखा के भेजी है, तो इसीलिए कहते हैं रोम जो होता है वो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। इसमें जो कंपनी इसे बताई है वो इसमें कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया, कही कि तुमको यही करना है, जिसका कंप्यूटर है उसका बात नहीं सुनना है, तुम मेरे हिसाब से चलो, तो ये इनबिल्ट रहता है। और इसमें जो कंपनी ने लिख के भेज दिया वो परमानेंट रहता है, इसे आप मिटा नहीं सकते हैं, इसलिए। और दूसरा क्या, ये नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है ये चेंज नहीं हो सकता है, मतलब ये कभी भी इसमें से जो डाटा है वो मिट नहीं सकता है, ये नॉन वोलाटाइल होता है। मतलब क्या है कि अगर ये कोई काम को कर रहा है और बीच में पावर चली गई तो ये अपने काम को भूलेगा नहीं, कंटिन्यू करता रहता है, यानी बिजली कटने के बाद भी अपने काम को करते रहता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं फर्मवेयर। फर्म मतलब होता है दृढ़ संकल्प, नहीं कहते हैं इट्स माय फर्म डिसीजन, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, तो फर्मवेयर इसे कहा जाता है। हालांकि रोम बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम क्षमता के होते हैं सभी रोम। अब इसके एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि इसको केवल आप कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं, ये कई जगह देखने को मिलेगा। आप वॉशिंग मशीन देखिएगा तो इसमें जो डिजिटल मीटर होता है, इस वॉशिंग मशीन में आप इस डिजिटल मीटर में टाइमिंग सेट कर देते हैं कि भैया तुमको 20 मिनट तक कपड़ा धोना है, आपको आइडिया लग जाता है कि ये कपड़े 20 मिनट में धुल दिए जाएंगे, तो आपने तो टाइमिंग फिक्स कर दिया कि भैया 20 मिनट, और लाइट ऑन कर दिए और आप टीवी देखने लगे या कहीं चले गए, तो ये जो 20 मिनट है ना, ये इसमें जो एक छोटा सा रोम लगा हुआ है रीड ओनली मेमोरी, इसमें फिट हो गया भैया कि 20 मिनट में बंद होना है, आपने फिट कर दिया यहाँ पर 20 मिनट में। अब क्या है कि ये चलते रहेगा, और बीच में अगर मान के चलिए कि 10 मिनट बाद लाइट चली भी गई तो बंद हो जाएगा, और जब लाइट आएगी 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद या अगले दिन भी आएगी, तो ये जानते हैं कहाँ से चलना चालू करेगा, फिर से 20 मिनट नहीं। इस ससुरा नॉन वोलाटाइल है, एक याद है कि भैया हम तो 10 मिनट चल दिए थे, अब 10 मिनट और चलना है, ज़्यादा नहीं चलना है, इतना ज़बरदस्त इसकी मेमोरी होती है, भूलता नहीं है, परमानेंट होता है, नॉन वोलाटाइल, जितना पैसे लाइट कटा उतने पैसे इसमें फिक्स होता है। कपड़ा को अलग अलग वॉशिंग मशीन में अलग होता है, कोनो 4 बार इसे घुमाता है, फिर 4 बार इसे घुमाता है, मान के चलिए 2 बार इसे घुमा था, 2 बार इसे घुमा, लाइट कट गया तो यहीं रुक जाएगा, और जब लाइट आएगा 2 दिन बाद ना, तो कहेगा सोचा 2 बार तो घूम गए थे, 2 बार और घूमना है, बस अब 4 बार ऐसे घूमना है, सोचा भूलेबे नहीं करता है, यहाँ पर एकदम फिक्स रहता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। आप टुकुर टुकुर पढ़िए, इसको हर चीज़ याद रहता है, बहुत खतरनाक मेमोरी होता है, इसके कई जगह यूज होते हैं सर। जैसे आप इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखिएगा गाड़ियों में, जहाँ पर आपको हर चीज़ें पहले से बताया रहता है, जैसे आप गाड़ी को टर्न राइट मोड़िएगा तो यहाँ पर उसके रोम में फिट है कि यहाँ एक लाइट जल जाना है, उसको एकदम फिक्स है, आपकी गाड़ी का स्पीड कितना रहेगा उस हिसाब से बताएगा, सीट बेल्ट नहीं पहने तो वो भी बता देगा, इंजन का मतलब जित लाइट जला है तो उसको पता है कि जैसे लाइट जलेगा हमको ये वाली बत्ती जला देनी है, तो ये सारी चीज़ें उसमें फिट रहती हैं। और इसकी एक और विशेषता है, आप इसे चेंज नहीं कर पाते हैं, जैसे रिमोट बनाने वाली कंपनी जो है उसको भी उसमें भी इसके अंदर क्या लगा रखा है, कि रोम लगा दिया रीड ओनली मेमोरी के रूप में, जब भी आप ये बटन दबाते हैं तो इसको कैसे पता चलता है कि भाई 1 है 2 है 3 है, इसके अंदर एक याददाश्त के लिए एक मेमोरी रखी गई है, और उस मेमोरी में इसकी कंपनी ने बता दिया है कि जब हाई बटनवा दाबेगा तो इसका मतलब होता है 3, और हाई दाबेगा तो इसका मतलब होता है 1, समझ में गया। आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज आपके हिसाब से नहीं हो सकता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, ये ज़बरदस्त काम करता है। यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 3 दाबिएगा तो 6 काम करने लगेगा, उसको पहले से याद है उसकी बनाने वाली कंपनी, लेकिन अगर कंपनी जो है बनाते वक्त ही कह देगी कि नहीं तुम्हें इसे 3 नहीं पढ़ना है, तुम्हें इसे 8 पढ़ना है, तो आप 3 दाबिएगा तो दूसरा 8 काम करने लगता है। हर जगह इस सबके यूज होते हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गया, ओवन जो होता है इसमें ना खाना गर्म किया जाता है, समझ में गया, खड़े मुर्गी डाल दिया है, बताओ भड़काएगा ससुरा इसको,
खड़े मुर्गी डाल दिया जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, टाइमिंग फिट होती है सब। इसको भी क्या होता है, इसकी भी पूरी तरह से याददाश्त फिक्स है, यहाँ पर टाइमिंग इसकी भी फिक्स होती है। इसके अंदर भी याददाश्त की क्षमता है कि भैया डाला है 5 मिनट में बंद कर लेना है। पता चला आप लाइट चला दिए, आप टेंशन फ्री रहिए, 5 मिनट बाद ये खटाक से बंद कर देगा इसको। आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, इसका इसका जो रोम होता है वो परमानेंटली याद करके रखा है इसे। यानी रोम जो है, उस रोम के अंदर एक प्रोग्राम है। इस रोम के अंदर क्या भैया, एक पहले से प्रोग्राम सेट है, इसलिए इसे हम लोग पी रोम कहते हैं, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे क्या कहते हैं, पी रोम कहते हैं। ये मिटता ही नहीं है, चेंज नहीं हो सकता है। आप चुपचाप देखते रहिए, जैसे नोकिया की कंपनी ने अपनी मोबाइलों में के रोम में एक चीज़ पढ़ा दिया था कि जैसे कोनो मोबाइल ऑन करेगा ना, दो हाथ आएगा टिडिंग टिडिंग करके मिला के जाएगा। अब चिल्लाते रह जाइए, हाथवा मत मिलाओ रे, रुक जो रे, अरे मत मिलाओ, एक बार तो छोड़ देते ना। उस ससुरा सेव करके गया है रूम में, वो आएगा टुकुर टुकुर, आप देखिए हाथ मिलाएगा चला जाएगा। जितने कंपनी वाले होते हैं सब, वो अपना लोगो लगा देते हैं सब। सैमसंग में देखिएगा तो एक और गछरिया उठ के आएगा, सैमसंग है हम यहाँ पर, समझ में गया। लेकिन बाद में कंपनी को एहसास हुआ कि नहीं, जो हम लोग सेट कर रहे हैं, कभी कंपनी को अपना लोगो चेंज करना पड़ा तब क्या होगा, या कुछ ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रोग्रामेबल मेमोरी जो थी, इसमें इरेज करने की क्षमता दे दिया, इसलिए एक एक्स्ट्रा ई जोड़ दिया गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सब में पी रोम रहेगा क्योंकि प्रोग्रामेबल होता है। इसे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है, इसे बाहर निकालना पड़ता है, इसे अल्ट्रावायलेट रेज लगाकर जो पहले से डाटा है उसे मिटाना पड़ता है, फिर इसमें दूसरी डाटा को भरा जाता है। धीरे धीरे डेवलपमेंट और आ गया, तो ये जो इरेजेबल मेमोरी था, इसमें एक एक्स्ट्रा ई जोड़ दिया गया। देखिए पहले ही से तो ई पी रोम पहले से था, एक और एक्स्ट्रा जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिकली मतलब करंट से ही, वो इलेक्ट्रॉनिकली आपका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब अब इसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इसे आराम से चेंज कर सकते हैं। तो अब जो EEPROM प्रोम आ गया है, इसे आप आराम से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो दिए गए डाटा को चेंज नहीं कर सकते। ये उसी का थोड़ा थोड़ा क्या है, मॉडिफाई रूप है। यानी अगर आप मोटा मोटी समझें तो रोम जो दिया गया रहता है, हमारे यूज के लिए नहीं दिया गया रहता है, ये कंप्यूटर के यूज के लिए दिया जाता है, जिसको पहले से कुछ कुछ आदमी क्या किया है, सिखा के भेजा गया, ऐसे ही होता है, तुम ऐसे ही करना। समझ में आ गया कि नहीं। आप लोग की जब शादी होगी ना, तो जब दुल्हन लाएंगे, तो दुल्हन की जो मम्मी है ना, उस दुल्हन को कुछ रोम में कुछ बतिया सिखा देगी, बबनी देखो तुम्हारा ससुराल है, अच्छे से रहना, दुख सुख सब तुमको वहीं काटना है। अब तुम्हारी यहाँ से डोली उठ गई, वहीं से तुम्हारी अर्थी उठेगी, जो है वही तुम्हारा घर है। तो भारतीय संस्कृति में महिलाओं के रोम ROM रोम में डाल दिया जाता है, इसलिए वो ससुराल में पिटा जाती है, कूचा जाती है, कुछ रह जाती है, लेकिन ससुराल में अपना काट लेती है, क्योंकि उसके रोम में घुस गया है। रोम के बाद अब बात करते हैं रैम की, RAM रैम। इसका मतलब होता है रेंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए यही पे हमारा सारा काम होता है, यही वो मेमोरी है जो हमारे किसी भी काम को करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि यह क्या है, एक तरह की थाली है। क्या है, थाली है, क्योंकि आप खाना खाते हैं थाली में, जबकि बनता पतीली में है। अब मान के चलिए थालिए नहीं रहेगा तो पतीलिए में से नहीं ना खाएंगे, तो ये क्या है, एक तरह की थाली है। और पतीली जो है आपका हार्ड ड्राइव है, आप कुछ भी गाना डाउनलोड करते हैं हार्ड ड्राइव में जाता है, एप्लीकेशन हार्ड ड्राइव में जाता है, सब कुछ वहीं चला जाता है। लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वहां से उठ के कहां आता है, यानी एनी वर्क इन कंप्यूटर डन इन रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में इसे किया जाता है। जैसे आप समझिए, ये ऑफिस है, सपोज के लीजिए कि एक ऑफिस है यहां पर, और ये बहुत सारी फाइलें रखी हुई। तो ये तो हो गया भैया हार्ड ड्राइव, जहां पे हर चीज स्टोर रहता है। अब यहां किसी को काम करना है, तो आप बताइए, यहां काम करने के लिए कोई व्यक्ति अगर बैठ जाए तो फाइल मंगाएगा, यहां फाइल रख सकते हैं, और ले आकर रख सकते हैं, और ले आकर रख देंगे। समझ गया, ये यहीं पर काम करता है। तो यही हो गया इसके लिए रैम, यानी जिस फाइल पे वर्क होना है वो हार्ड ड्राइव से उठ के कहाँ आती है, रैम में आती है। अब आपके मोबाइल का रैम बड़ा रहेगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइल अट पाएगी। जैसे ये इतना छोटा है, अगर ये बड़ा हो जाए तो देखिए इसका रैम ज़्यादा बड़ा हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा फाइलें अट सकती हैं इसमें रैम में। तो रैम बड़ा रहेगा तो आप एक साथ कई फाइलों को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ मेमोरी, आप यहाँ गाना बजा दीजिए, व्हाट्सअप चालू कर दीजिए, फेसबुक चालू कर दीजिए, कोई चीज़ डाउनलोडिंग में लगा दीजिए, कैलकुलेटर से कुछ चीज़ जोड़ते रहिए। यानी आप एक ही टेबल पर, यानी एक ही रैम पर मल्टी फंक्शन को कर सकते हैं। तो रैम तगड़ा रहेगा तभी मल्टी फंक्शन को काम करते हैं।
रैम की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, ये थोड़ा सा महंगा आता है। लेकिन समस्या क्या है कि भैया ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब इसकी याददाश्त हमेशा के लिए नहीं रहती है, जब तक बिजली है तब तक है इसको याद है, बिजली कटा याददाश्त खत्म। जैसे हम अपने कंप्यूटर में खोल लिए हैं क्या चीज़, मान के चलिए कि हमने यहाँ कैलकुलेटर खोला है और इसमें कुछ हिसाब किताब जोड़ के लाए हैं 66924 ये जोड़ के लाए हैं, अचानक लाइट कट गया, कंप्यूटर अब बंद हो गया जा। अब जब खोलेंगे ना कंप्यूटर वा, तो ये जो हमारा रैम है RAM रैम, ये मौका है ससुरा भुला गया रहेगा। अब जब खोलेंगे ना तो सब गायब, ये वापस लौटा दिया होगा हार्ड ड्राइव को, ले लो ससुरा पता नहीं कहाँ लाइटें कट गया। तो लाइट नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। जैसे मान के चलिए हम फोटोसॉफ्ट कोई सॉफ्टवेयर खोले, तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ था, हार्ड ड्राइव में। जब हम उसमें बत्तख बना रहे थे तो उठ के कहाँ आया था, रैम में। तो हम इसको खूब अच्छा बत्तख बनाए, ये बकुला बत्तख खूब बनाए, खूब रंगे होंगे खूब बढ़िया से, इसका ठोड़ वगैरह रंग दिए और तब तो लाइटें कट गया। लाइट कटेगा ना तो बत्तख भाग जाएगा, बत्तख कहाँ भागेगा, रैम से उसके हार्ड ड्राइव में चल जाएगा। अब दोबारा कंप्यूटर खोलेंगे ना तो कहेंगे जा गई भैंसिया पानी में, ससुरा सब चल गया यहाँ पे, नहीं आएगा अब यहाँ पर। इसलिए इसे कहते हैं वोलाटाइल, भाग जाता है यहाँ पे, वोलाटाइल भाग जाता है। अब लड़का के कंफ्यूजन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है ना कि रोम और रैम में वोलाटाइल कौन होता है, तो बेचारा कंफ्यूजन में हो जाता है। तो ध्यान से समझिए, ROM और RAM रैम, इसमें से तो पहला और तीसरा अक्षर अच्छा, दोनों में कॉमन है, अंतर बस बीच वाले का है। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो एक को उल्टा करिएगा तो ये लगभग भी बन जाता है, लेकिन ओ को उल्टा करिएगा तो कभी भी नहीं बनेगा। भी से याद रखिए वोलाटाइल, क्या याद रखेंगे, वोलाटाइल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वोलाटाइल यानी परिवर्तनशील कौन होता है, तो आप देखिएगा किसे आप भी बना सकते हैं, क्योंकि आर तो दोनों में है, एम दोनों में है, तो इससे आपका कोई ट्रिक नहीं निकलेगा। ट्रिक इसी से निकल सकता है कि ये ओ कभी भी यानी वोलाटाइल नहीं बन पाएगा, लेकिन ए को जब उल्टा करेंगे तो ये भी की तरह दिखने लगता है, भी से क्या हो जाएगा, वोलाटाइल। कोई भी ऑपरेशनल काम किस में होता है, रैम में ही होता है। अब अगर मान के चलिए कि हम कोई मूवी देख रहे हैं किसी प्लेयर में, VLC प्लेयर में कोई मूवी देख रहे हैं, अचानक कटेगा ना तो ये मूवी खत्म हो जाएगी। दोबारा हम कंप्यूटर चालू करेंगे तो सोचेंगे वाह वाह TV की तरह ये भी आ जाए, लाइट कटेगा। मान के चलिए लाइट कट गया, छठवां ओवर चल रहा है, लाइट कटा है, आधा घंटा बाद आया तो आठवां ओवर से ना दिखाएगा, यू सा कुछ नहीं, फिर से चालू कीजिए। अब फिर से इसे पूरा करेगा क्योंकि इसके रैम में था, ये भुला जाता है। कोई भी चीज़ अगर रैम में रखिएगा तो गायब हो जाएगा। जैसे हम मान के चलिए प्रीमियर प्रो में आपको जो वीडियो बनाते हैं उसको एडिट करते हैं, एडिट करते करते पूरा एडिट कर दिए, यहाँ तक पहुँच गए थे एडिट करते हुए, अचानक लाइट कट गया, मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, मेरा सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी वर्किंग होती है वो रैम में होती है और रैम के बाद ये चला जाएगा हार्ड डिस्क में, उसको याद नहीं है कि क्या क्या किए थे, फिर हमको मेहनत करना पड़ेगा। इसी से बचने के लिए हम कभी भी कोई रैम में अगर ज़रूरी काम कर रहे होते हैं तो उसको तुरंत सेव कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो सेव करेंगे तो उठ के कहाँ चला जाएगा, हार्ड ड्राइव में चला जाएगा, और जब सेव कर देंगे तब नहीं भुलाएगा, तब वो नहीं भुलाता है। किसी नए चीज़ को जब सेव किया जाता है ना तो उसे कहते हैं सेव एज, दो ऑप्शन पूछेगा, सेव और सेव एज। जैसे मान के चलिए हम इतने बड़े वीडियो को शूट क्या कर रहे थे, एडिट कर रहे थे, आधा एडिट कर दिए थे, तो हम क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। जब आधा एडिट कर दिए हैं तो हम क्या करेंगे भैया, सेव एज, कि भैया इसको सेव कर दो। तो जैसे सेव एज पूछेंगे ना तो इनाम पूछेगा कौन है नाम से सेव करें, तो हम ये लिख देंगे मेमोरी के नाम से सेव कर दो। और उसके बाद फिर इतना एडिट कर दिए, अब फिर हमको डर है कि ससुरा लाइटवा कट जाएगा ना, तो हाई वाला तो डिलीट नहीं होगा लेकिन हाई डिलीट होगा, तो अब की बार हम सेव एज नहीं करेंगे, अब की बार हम केवल सेव करेंगे। तो जब सेव करते हैं तो ये जस्ट इससे पहले वाली फाइल में गया रहता है जिसे आप सेव एज के रूप में किए रहते हैं, तो सेव एज मेमोरी के रूप में किए थे। तो फिर यहाँ मान के चलिए फिर यहाँ एडिट कर दिया और हमको डर है कि ससुरा लाइट कट जाएगा, तो इतना तक फिर पहुँच गया तो फिर सेव मार देंगे, तो ये उसी फाइलवा में तहियाते जाएगा, समझ में आ गया। और हमको अगर डर नहीं है कि लाइट थोड़े कटेगा, जैसे लैपटॉप है कटने का सवाल ही नहीं हो, तो पहले ही बता देता है इतना परसेंट चांस है, तो मत सेव कीजिए। सेव करने से फायदा यही है कि रनिंग फाइल जो रैम में चल रहा होता है वो उठ के कहाँ चला जाता है, हार्ड ड्राइव में चला जाता है। देखिए रैम के भी जो दो बेसिक तरीके होते हैं, दो टाइप के रैम होते हैं, एक होता है स्टैटिक रैम जिसे SRAM कहते हैं, और एक होता है डायनेमिक रैम जिसे कहते हैं DRAM कहते हैं। DRAM में हमारा सारा वर्क होता है, वो उठ के आता है फिर चला जाता है, यानी डायनेमिक होता है, आ जा चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो हम स्टैटिक रैम में रख देते हैं, SRAM में, वो हमारे हिसाब से डिलीट हो सकता है, हमारे हिसाब से बढ़ घट सकता है, लेकिन जब तक हम चेंज नहीं करेंगे ना वो अपने हिसाब से चलता रहेगा। जिस तरह से घड़ी की टाइम सेट करना होता है, तो घड़ी की टाइम, कैलेंडर, हम लोग कंप्यूटर के कहाँ सेव कर देते हैं, रैम में। और किस रैम में,
स्टैटिक रैम में। अब आप 5 साल बाद वो कंप्यूटर में ऑन करिएगा ना, तो टाइम और घड़ी एकदम वो मतलब डेट सही बताता है, समझ में आ गया। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा बात था तो ससुरा कंपनी क्यों नहीं रोम में सेट करके भेज दी, रोम में सेट करके। तो भाई साहब किसी किसी को टाइम 10 मिनट आगे रखना रहता है, तो कोई 10 मिनट पीछे रख लेता है, कोई एक्यूरेट रखता है। तो कंपनी जानबूझ के रोम में नहीं दी कि ससुरा मीटबे नहीं करेगा, ये छोड़ दी किसके लिए, रैम के लिए। जैसे आप टाइम कंप्यूटर में सेट करते हैं और डेट सेट करते हैं, वो आपके डायनामिक रैम में नहीं जाता है, वो किस में चला जाता है, स्टैटिक रैम में, और वहीं रहता है। कहता है ससुरा हमको कोई नहीं चेंज कर सकता है यहाँ से, जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक चेंज नहीं हो। अगर आप 10 मिनट बढ़ा दिए तो 10 मिनट बढ़ने से ये जोड़ने लगेगा। अब इस रैम में कैटेगरी 2 हो गई, और इसमें आप धीरे धीरे वर्जन आने दें, DDR1, DDR2। अब आपसे कोई पूछेगा इसमें अच्छा कौन है, तो जेन्युइन है भैया DDR4, इनके कंपेरिजन में थोड़ा सा अच्छा होगा। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि DDR3 किसका रूप है, तो आप मत मार दीजिएगा कि रोम का रूप है, नहीं भैया ये रैम का एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा उससे बेहतर बेहतर क्वालिटी आते गए हैं सब, उसी को ये दर्शाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर का मेमोरी, सबसे बड़का खोपड़ी उसका कहाँ याद रहता है, तो वो होता है हार्ड, एक बहुत कड़ा होता है डिस्क, एक CD टाइप का होता है डिस्क, ऐसे CD डिस्क, और ड्राइव इसको नचाते रहता है, ड्राइव ड्राइव समझते हैं ना, चलाने वाला। तो एक बहुत बड़ा डिवाइस होता है, हार्ड होता है इसलिए इसे हार्ड कहते हैं, इसके अंदर एक डिस्क होता है इसलिए इसे डिस्क कहते हैं, और इसे ड्राइव यानी चलाया जाता है इसलिए इसे ड्राइव कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। किसी को इतना भाग दौड़ की जिंदगी में फुर्सत नहीं है ना जो हार्ड डिस्क ड्राइव कहेगा, वो सीधे बोलता है हार्ड ड्राइव, बिचुआ में कहीं काट देता है, सीधे हार्ड ड्राइव। जितनी की जितनी डाटा स्टोर रहती है सब हार्ड ड्राइव में। आपको किसी के ब्याह का शूटिंग किए हार्ड ड्राइव में, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए हार्ड ड्राइव में, कुछ मारे ससुरा हार्ड ड्राइव में, विंडोज हार्ड ड्राइव में, फोटोशॉप हार्ड ड्राइव में, माइक्रोसॉफ्ट हार्ड ड्राइव, एक्सेल हार्ड ड्राइव, कुछ भी उठा के लाइए ससुरा हार्ड ड्राइव में चला जाता है, सब का सब हार्ड ड्राइव में चला जाता है। हार्ड ड्राइव ही हमारे काम में आता है, ये हमारे काम में आता है। जैसे मान के चलिए कि हमारे ब्याह का शूटिंग हो गया, कि देखो ब्याह हो रहा है इनका, तो ये कहाँ चला जाएगा, हार्ड ड्राइव में। लेकिन हमको कभी याद आएगा कि 10 साल 20 साल बाद कि अपनी बर्बादी के उन लम्हों को एक बार दोबारा याद करें, तो हम इसे कंप्यूटर में चलाएंगे VLC प्लेयर में, तो VLC प्लेयर कहेगा हार्ड ड्राइव से उठा के कहाँ मंगाएगा, रैम में मंगाएगा, क्योंकि किसी चीज़ को रन कराने के लिए हमें कहाँ मंगाना पड़ता है, रैम में। तो ये ब्याह का मेरा कैसेटवा कहाँ भेजेगा, रैम में। अब रैम में पूछेगा कौन चीज़ में चलाएंगे, मीडिया प्लेयर, MX प्लेयर, VLC प्लेयर, कोने में देखिएगा, तो जोने में देखेंगे उस पर टुकुर टुकुर चला देगा यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं। डाटा इसमें कभी सेव नहीं रह सकता है, जो रनिंग में है वही इसमें रह सकता है, तो डाटा कहाँ रहता है इसमें। लेकिन इसकी अपनी एक खराबी है कि इसमें एक डिस्क घूमता है, घूमने की अपनी एक स्पीड होती है, जिस वजह से ज़्यादा स्पीड काम नहीं करता है। इसका साइज बहुत बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से ये बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, ज़्यादा बैटरी को क्या करता है, कंज्यूम कर देता है, जिस वजह से ये हीट हो जाता है। और इसे ऐसा नहीं है कि गर्मी के दिन में ये काम नहीं करेगा, ये 55 डिग्री तक टेम्परेचर को झेल जाता है, उसके आगे जाएगा तो फिर इसको दिक्कत आने लगेगा। और ये ससुरा इतना बड़ा होता है कि इससे भारी हो जाता है और लैपटॉप या कंप्यूटर का साइज बड़ा हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी खराबी क्या होती है कि अगर गलती से ये टूट गया और ये हल्का सा इसमें क्रैक आ गया ना, हल्का सा क्रैक, तो हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए कि ये अब आप में जो इसमें सेव किए हुए थे, आपका कितना ज़रूरी डॉक्यूमेंट था, कितना ज़रूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, क्या क्या था, अब वो कभी नहीं आने वाला है। तो सबसे बड़ा खराबी इसमें होता है डाटा लॉस का, कि अगर थोड़ा भी इसमें दिक्कत हुआ तो आपका टोटल डाटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए इंजीनियरों ने इसके जगह पे एक दूसरा लाया, उन्होंने एक दूसरा डिवाइस प्रयोग किया, उसे उन्होंने कहा कि सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये उसी का एडवांस रूप है, दिखता है बाहर से अंदर ऐसे, और अंदर चिप लगे रहते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी हैवी। अब इसे ससुरा पटक दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टूटता जल्दी नहीं है, यानी ये मजबूत रहता है। इसका स्पीड बड़ी तेज़ रहता है, रीजन क्या, इसमें कोई घूमने वाली चीज़ नहीं है, तो खटाक खटाक ट्रांसफर मारता है। जैसे आप कहेंगे कि वीडियो रिकॉर्डिंग धाएँ दे देगा, क्या हो जाएगा धाएँ, और वो में मांगिएगा इस वाले में अगर 3 घंटा का वीडियो है ना, तो वीडियो आ जाएगा और ऊपर एगो हरा पट्टी चलने लगेगा, हाँ हाँ अभी खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल गया। इतना धीमा होता है।
और ये वाला थोड़ा सा फास्ट होता है। इसका साइज कम होने की वजह से ये बैटरी बैकअप बहुत कम कंज्यूम करता है, इसलिए अगर आपके लैपटॉप में SSD लगा है तो कम बैटरी खाएगा, और हार्ड ड्राइव लगा है तो वो तो ज़्यादा बैटरी खाता है। यहाँ पे ये हीट ज़्यादा बर्दाश्त कर लेता है और 70 डिग्री टेम्परेचर तक में इसे कोई दिक्कत नहीं होता है, जगह कम लेता है और इसे टूटने फूटने का डर नहीं रहता है, और इसमें डाटा लॉस होने का बहुत ही कम खतरा है। लेकिन समस्या क्या, इससे थोड़ा बहुत महंगा आता है। अब बात करते हैं हमें अपने मोबाइल में या हमें अपने कंप्यूटर में क्या लगाना चाहिए, हार्ड ड्राइव लगाना चाहिए या SSD लगाना चाहिए। तो समझिए ध्यान से, हम अपने कंप्यूटर में दोनों लगाएं, और हम आपको भी सलाह देते हैं कि भैया दोनों रख लेंगे। जैसे ये हार्ड ड्राइव है तो इसमें तो साइकिल घूम रही होती है, इसमें क्या होता है ये घूम रही होती है चरखी, इसलिए एक समझिए कि साइकिल है, और ये क्या है भैया मोटरसाइकिल है, कभी भी इसकी स्पीड तेज रहेगी। इसमें हम क्या करते हैं कि जितना आलतू फालतू चीज़ें रहता है, जो थोड़ा धीरे भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कोई वीडियो हो गया या कोई गाना हो गया। आप सोच रहे हम लोग जब जवान थे तो गाना सुनते थे, अभी बुढ़ौती में कौन सी गाना सुनेगा। गाना हो गया, फाइल हो गया, PDF हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें को हम लोग किस में रखते हैं, हार्ड ड्राइव में रखते हैं। लेकिन वैसी चीज़ें होती हैं जिसे हम पे वर्क करना है, जैसे हमारे लैपटॉप में विंडोज़ 10 सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में धीमा हो जाएगा तब, तो उसको हम ऐसे HD में इसमें नहीं रखते हैं, उसको हम क्या रखें, एक 250 GB का हमने रखा हुआ है SSD। इसमें हम अपना विंडोज़ डाल दिए हैं, जो फ्री फायर गेम वेम है कभी कभी खेल देते हैं उसमें डाल दिए, धकाधक काम करता है। प्रीमियर प्रो से आप लोग का वीडियो एडिट करते हैं वो डाल दिए, फोटोशॉप से थंबनेल बनाते हैं वो डाल दिए, तो जितना सॉफ्टवेयर वाला हिस्सा है उसको किस में रखे हुए, SSD में रखे हैं, ताकि जब हमको काम करना रहेगा धड़ाक से दे देगा। और जितना वीडियो वीडियो रखे हैं उसको रखे हैं हार्ड ड्राइव में, इससे थोड़ा सस्ता मिलता है, इससे ये सोचा चरगुना महंगा मिलता है, लेकिन इसकी स्टोरेज कम होती है, तो कम होते हैं तो भैया इसमें बाकी चीज़ डाल दिए जो हमको काम करने वाला, एप्लीकेशन इसमें, फाइल वीडियो गाना हैन तेन इसमें, भैया गाना 1 सेकेंड बाद हो देगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, दोनों को यूज कर सकते हैं। 3 मेमोरी देख लिया, रैम रोम और हार्ड ड्राइव। अब हम देखते हैं भैया कैश मेमोरी किसे कहते हैं। तो देखिए कैश मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जो ऐसे फाइलों को अपने पास रखता है, ये CPU के सबसे करीब होता है, और ऐसे फाइलों को अपने पास रखता है जो बहुत तेज़ ज़रूरत होती है, जिसे हम बार बार प्रयोग करते हैं ना उसको अपने पास रख लेता है, उसे हम लोग कहते हैं कैश मेमोरी। ये बहुत छोटी होती है, MB में होती है, 2 MB, 4 MB, 10 MB, इस तरह से कैश मेमोरी होती है, ये हमारे कंप्यूटर के एकदम पास रहता है, और अगर हम अपने कंप्यूटर में किसी काम को करते जाते हैं ना बार बार तो भाप जाता है कि सोच रहा ये आदमी जिसका कंप्यूटर है ये क्या क्या सर्च करता है, इसलिए उसको रख लेता है पास में कैश मेमोरी। जैसे आप देखे होंगे आप कहां पर, आप WhatsApp में टाइप करते होंगे या कुछ मैसेजों से टाइप करते हो, Google पे सर्च करते होंगे ना, तो जिस चीज को आप बहुत ज्यादा बार सर्च किए हैं ना उसका लैपटॉप में ऊपर दे देता है। जैसे मान के चलिए कि आप बहुत बार सर्च कर लिए किसी चीज को, जैसे मान के चलिए आपने मेरा चैनल सर्च किया खान GS रिसर्च सेंटर, तो जैसे लिखेंगे खान ना तो अपने से वो आते जाएगा रिसर्च सेंटर, याद है ओकरा कि वो यही खोजबे करता है। तो जिस चीज का हम लोग बार बार यूज करते हैं ना उसको ये मेमोरी के रूप में याद रख लेता है, हाँ हाँ तो खान लिख ले ना अगवा लिखबे करेगा। मान के चलिए कोई एप्लीकेशन वाला है तो खान सर ऑफिशियल जैसे लिखेंगे बता देगा यही वाला तो है रे ससुरा जो कौन चीज खोज रहा है। तो जिस चीज का यूज बार बार करते हैं ना उसे हम लोग किसमें रख देते हैं, कैश मेमोरी में। ये बहुत छोटा होता है, किसमें रख, कैश। जैसे देखिए ये व्यक्ति को आप समझिए, ये उसका मेन हार्ड ड्राइव है, ठीक है। ये लड़कियां जो बोतल खरीद के लाई है, ये जो बोतलवा है इसके लिए रैम है, आई जो मगवा में से जो इसमें से निकाल के इसमें दे रहा है ना, ये इसके लिए कैश मेमोरी है। ये क्या है, कैश मेमोरी, सबसे छोटी होती है लेकिन सबसे फास्ट होती है, कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है। इसके 3 लेयर होते हैं, Layer 1, Layer 2, Layer 3, 3 स्टेप में होते हैं सब। तो लेयर पूछेगा किस मेमोरी के कई लेयर होते हैं, तो कैश मेमोरी के लेयर होते हैं सब। सबसे फास्ट कौन सा होता है, कैश मेमोरी होता है, क्योंकि इसको पता है कि यही लिखबे करेगा, यहाँ पर लिखेगा, समझा गया कि नहीं। जैसे आप लिखेंगे ना आई लव, अगवा लिख देंगे माई इंडिया, ढाई से ओकरा याद है कि ये लिखबे करेगा यहाँ पे। लेकिन बार बार आप व्हाट्सअप पे लिख के आई लव कौन और को भेज ले रहेंगे तो ओकर नमो लिख देगा, ले तो ओकरे भेजने ही वाला है। तो ये किसका काम करता है, कैश मेमोरी का काम करता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये हार्ड ड्राइव है और इसका ढक्कन कैश का काम कर सकता है। यहाँ समझिए ध्यान से, ये बड़का सा डाटा है चाउमीन का, तो ये हार्ड ड्राइव है। क्या है, हार्ड ड्राइव है, और हमको खाना है तो डायरेक्ट इसमें से तो खाएंगे नहीं, हम रैम से खाएंगे। हार्ड ड्राइव में है लेकिन खाएंगे किस में, रैम से। लेकिन यार इसमें से इसमें निकालेंगे कौन चीज से, हाई से ले छपाक से, नहीं किस से, कैश मेमोरी से। तो ये चम्मच देख रहे हैं, इसकी क्षमता बहुत कम है, तनिए सा चाउमीन उठाएगा लेकिन
ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, इन्हें से धड़ 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 ले आ देगा, तो डाटा ट्रांसफर करने के काम में आता है कैश मेमोरी। और ये हर ये सारे डाटा को ट्रांसफर नहीं करता है, जिसका यूज आप बार बार किए हैं ना, आपकी सुविधा के लिए इसको रख देता है, धड़ाक से वहीं पे तुरंत दे देता है कैश मेमोरी। लेकिन कभी कभी ये कैश मेमोरी भर जाती है, आप हमेशा उल्टा सीधा सर्च करते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं ना, तो पगला जाता है, यही सोच रहा है इसे डेली कुछ नया नया खोज रहा है, तो आपको ऑप्शन देता है, ऊपर से लटका देता है कि क्लियर कैश, कैश क्लियर करेंगे रास्ता साफ, धड़ाधड़ फिर से ट्रांसफर होगा। इस हिसाब से हम टोटल मेमोरी को दो हिसाब से बांट सकते हैं, वैसा मेमोरी जो कंप्यूटर के लिए जरूरी होता है, जो कंप्यूटर अपना काम करता है उसे प्राइमरी कहते हैं, और वह मेमोरी जो यूजर के काम में आता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कैश मेमोरी खटाखट काम करता है, रोम अपने लिए रख लिया है, रैम जो आप वर्क कर रहे हैं ये काम हो जाता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में क्या समझेंगे, तो सेकेंडरी मेमोरी उसे कहते हैं जो आपको बैकअप प्रदान करता है, जैसे हार्ड ड्राइव या SSD बैकअप में रखा है, आप इसमें हर चीज़ को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, नहीं तो पेनड्राइव में रख सकते हैं, पेनड्राइव नहीं तो फ्लॉपी में रख सकते हैं। तो जो बैकअप के काम में आता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ये यूजर के काम में आता है, जिसका कंप्यूटर है उसके लिए फ़ायदेमंद है, और ये कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए क्लासिफिकेशन जब आएगा तो आप इसको बता दीजिएगा। फ्लॉपी का यूज अब नहीं होता है, पहले ज़माने में फ्लॉपी का यूज होता था, इससे सुराई बहुत कोढ़िया टाइप का मेमोरी था, ऐसे ही था CD की तरह, एक फ्लॉपी इसके अंदर एक डिस्क रहती थी, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क कहा जाता था, इसे 8 MB 10 MB ये यूजर करता था, जितना ये स्टोर करता था ना उतना तो आज हम लोग को याद रहता है। तो ये शुरुआती दौर था फ्लॉपी का। मेमोरी से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, अब समझते हैं हम लोग ग्राफिक्स किसे कहते हैं। ये ग्राफिक्स एक्चुअली एक ग्राफिक कार्ड होता है, जिसका अलग ही एक सिस्टम होता है, पूरी तरह से इसमें एक सिस्टम रहता है जिसको कंट्रोल करने का काम करता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे एक CPU था ना पूरे कंप्यूटर को कर रहा था, तो ये कंप्यूटर की आँख होती है वो CPU। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था रेलवे में कल के एग्जाम में कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, CPU प्रोसेसर के बारे में पूछा था, तो पहले ही बताया था आप लोग को, तो ये कंप्यूटर की आँख होती है, ये हर एक कलर को डिसाइड करता है, इसको ठंडा रखने के लिए एक फ़ैन लगा दिया जाता है जिस वजह से धोधड़ बड़ा दिखने लगता है, अगर और बड़ा साइज का है तो डबल फैन लगा दिया जाता है। ये कंप्यूटर में ही इसे सेट किया जाता है, मदरबोर्ड में। इसका काम क्या है बेसिकली, तो ग्राफिक्स का केवल काम है कि आपको रंगीन पिक्चर दिखाना। अगर आपके मोबाइल में आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स नहीं है ना तो आपको रंगीन नहीं दिखाएगा, वीडियो की क्वालिटी जबरदस्त करके दिखाना, वीडियो में हर एक तरह का कलर दिखाना। और इसका सबसे ज्यादा यूज होता है ग्राफिक्स का कहां पर भैया, गेमिंग में, गेम खेलेंगे तो उसमें ग्राफिक्स का जबरदस्त यूज होगा। जैसे देखिए हम आपको ग्राफिक्स का नमूना दिखाते हैं, देखिए ये सीनरी देख रहे हैं आप, अगर गहराई से देखिएगा ना तो इसमें इतने कलर का यूज इतने जगह पर किया गया है कि जैसे यहाँ देखिए इस पत्ती का कलर कुछ और है, इसका कुछ और है, टहनियों का कलर कुछ है, उसके पीछे से रोशनी आ रही है, यहाँ हल्का पीला है, यहाँ कुछ पत्तियाँ गिरी हुई हैं, तो आप इसको चकाचौंध में रह जाएंगे। तो ये कंप्यूटर में अगर आपका ग्राफिक्स लगा है ना तो बेहतरीन ढंग से उसको दिखाएगा, आपको लगेगा आप ओरिजिनल दुनिया में है यहाँ पर, तो एकदम ओरिजिनल फील कराने लगेगा ग्राफिक्स वहाँ पर। ग्राफिक्स जो होता है एक ही कलर को कई कैटेगरी में कर देता है, जैसे आपको यहाँ रेड कलर दिख रहे होंगे तो कहीं डार्क रेड, कहीं हल्का रेड, पीला में भी आपको कई कलर के दिख जाते हैं सब। ग्राफिक्स का एक बार हमको दैनिक जीवन में अनुभव हो गया, एक हमारी रिलेटिव थी उनका बच्चा बीमार हो गया था तो पटना आई थी इलाज कराने के लिए, हम उनसे मिलने गए थे कि क्या समस्या है, रिश्तेदार थे तो उनका बच्चा बीमार था ठीक हो गया, तो उनको वो कहीं ना कि एक काम कीजिए ना हमको थोड़ा मार्केट ले चलना है, हम कहे बचवा को छोड़ के कहाँ जाइएगा, बोलिए ना क्या लाना है, ला देते हैं हम ही, तो करी लिपस्टिक लेना है ठोड़ रंगने वाला, हम कहे दूर से चले तो नहीं मंगलो कह तो कौन चीज़, हमको लगा इतनी चुकी है ले आ देंगे, कौन रंग का चाहिए, तो कहीं लाल रंग का, हमको अभी खरीदे नहीं थे, दुकान पर गए हम कहें कि लिपस्टिक जाइए तो थोड़ा रंगने वाला लाल रंग का दे दीजिए, तो हम कहीं कौन कंपनी, हम कोनो दे ना बढ़िया कंपनी रहना चाहिए, तो करिए लाल रंग में कौन रंग, हम कह रे तुरिका ये कौन चीज़ होता है, लालों में कई रंग होता है क्या, तो हम कहे दिखाइए, और ये बाप रे 12 किस्म का लाल रंग दिखा दी, हमारा तो दिमाग ही सनक गया। तब हमको समझ में आया कि लड़कियों का दिमाग बराबर होता है लड़कों से, लेकिन लड़का दूसरे जगह यूज रखता है, ये दूसरे जगह यूज रखता है, तो हम फोन करके कहें कि कौन रंग का लाल रंग लेना है, तो करीब 42-43 नंबर का, तो हमको 42-43 तुरते निकाल के दे दी, हम कह रही सोच रहे इन सबके दिमाग में ग्राफिक्स कितना तगड़ा है, हम लोग को अंतरे समझ में नहीं आता है, ये अंतर समझ जाती है, लड़का ससुरा शैम्पू और कंडीशनर में अंतर नहीं समझ पाता है, वो रंग में अंतर समझ जाती है,
क्योंकि उनका ग्राफिक्स क्या है, तगड़ा है। जिसका ग्राफिक्स तगड़ा रहेगा ना, गजब लुक देगा। आप यहाँ देखिए ग्राफिक्स का कमाल, ये आराम से दिख रहा है कि ये परछाई है, यहाँ से धूप की रोशनी आ रही है, सड़क है, ये सब का सब किस चीज़ का कमाल है, ग्राफिक्स का कमाल है। और ग्राफिक्स इतना तेज काम करता है ना कि अगर आप इसको छोटा कीजिएगा ना तो ये समझ जाएगा कितना में हटाना है। देखिए उन सारी चीज़ों को समेट के फटाक से हटा दिया, इतनी छोटा में हटा दिया। आप इसको अगर बड़ा करना चाहिएगा ना तो उसको उसी हिसाब से बड़ा करके छोटा हटाएगा वहाँ पर ग्राफिक्स। और साथ ही साथ आपको ग्राफिक्स इशारा करता है कि देखिए भैया आप इस कोना से बढ़ाइए और घटाइए ताकि एक सिस्टम से बढ़ेगा और घटेगा। हाई कोनवा मत करिए क्योंकि ये नीचवा से घटता बढ़ता नहीं है, तो एक बार छिटार देता है ना तो पचक जाता है। देखिए इशारा कर रहा है कि हेजा से घींच ताकि बढ़िया से खींचाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारा काम किसका होता है, ग्राफिक्स का होता है। अब आप देखिए ये पुराने जमाने का जहाज है लेकिन बड़ा क्लियर दिख रहा है क्योंकि इस पे ग्राफिक्स का ज़्यादा यूज है। और ये मॉडर्न जहाज है लेकिन धुंधला दिख रहा है क्योंकि इसमें ग्राफिक्स का उतना यूज नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा ग्राफिक्स यानी GPU का यूज होता है गेमिंग में, क्योंकि आप देखिए फ्री फायर में अगर हम लोग जंप करते हैं, ड्रेसवे में देखिएगा ना, यहाँ कहीं रंगीन है, पीछे का जहाज धुंधला है, कोई एम लगा रहा है। अब जैसे ये जहाज पैराशूट से कूदेगा तो कंप्यूटर को पता रहना चाहिए ना कि भैया नीचे की सीनरी कैसी है। जैसे ये कूदेगा ना तो नीचे मान के चलिए ये किसी आइलैंड पे उतरा है, तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा ना ये आइलैंड की फिगर क्लियर होती जाएगी गूगल मैप की तरह। गूगल मैप की तरह कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन? ग्राफिक्स कंट्रोल कर रहा है। हाँ, और नीचे आ गया, और नीचे आ गया, कोई चीज़ पास है तो उसको और जूम करके दिखाएगा। जैसे मान के चलिए आप स्कोप मार रहे हैं किसी को, तो आप देखिए कितना ग्राफिक्स एक साथ काम कर रहा है। अंदर एक आदमी को भी दिखा रहा है, आपके स्कोप के इस लेंस को भी दर्शा रहा है, और ये भी दिखा रहा है कि किस एरिया में है मैप में, कौन सी बंदूक मार रहे हैं, कितना लोग अभी जिंदा है क्या नहीं है। किसी को हेडशॉट मारे तो धाएं देश का माथा फोड़ दिया जा, हेडशॉट लग गया। तो गेमिंग की संभावना ही नहीं है बिना ग्राफिक्स के। अगर ग्राफिक्स नहीं है तो गेमिंग नहीं हो पाएगा। जितना ज़्यादा GB का आपका ग्राफिक्स रहेगा ना उतना क्लियर दिखाएगा। जैसे मेरे में ना 6 GB का ग्राफिक्स है, इसमें 6 GB है ग्राफिक्स, 6 या 8 GB ऐसे करके ग्राफिक्स एकदम क्लियर दिखाई देता है, ज़बरदस्त। हर एक कलर को बेहतरीन ढंग से समझा देता है कि भैया यहाँ ऐसा कलर है, यहाँ ऐसा कलर है। आई होप आप ग्राफिक्स समझ गए होंगे। क्वेश्चन कहेगा CPU और GPU में अंतर क्या है, तो CPU अपना काम ध्यान संभालता है और GPU जो ग्राफिक्स है वो इमेज, फोटो, क्लियर इस सबको दर्शाता है। जब कभी भी आप WhatsApp से किसी इमेज को भेजते हैं ना तो WhatsApp आपके ग्राफिक्स को घटा देता है। इसलिए कितने भी सुंदर फोटो की खींच लीजिएगा WhatsApp क्या करता है, उसकी क्वालिटी को घटा के भेज देता है। लेकिन अगर उसी इमेज को आप गूगल से या मेल करके भेजिएगा, किसी को जीमेल पे भेजिएगा, तो उसके ग्राफिक्स को नहीं घटाएगा, उसकी क्वालिटी को नहीं घटाता है। तो आई होप आप ग्राफिक्स भी समझ गए होंगे। एग्जाम में आपसे रेलवे में क्वेश्चन पूछ रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या है, स्टैटिक GK बहुत ज्यादा पूछ रहा है। और ये लास्ट टाइम में आप स्टैटिक GK कैसे ज्यादा कंप्लीट करेंगे, तो देखिए आप लोग के लिए सबसे सिंपल उपाय में है स्टैटिक GK में, हम उस चीज को अपने एप्लीकेशन पे बंद किए हुए थे, मैप का क्लास। मैप में आपका क्या चीज क्या क्या था भाई, मैप वाले क्लास में तो उसमें मैप भी था और एटलस भी था, एटलस था और ग्लोब भी था, ग्लोब। और इसमें ना इंडिया का भी था और वर्ल्ड का था, साथ ही पॉलिटिकल भी था और फिजिकल भी था। तो आप इस वाले पोर्शन को अभी के वक्त में जिन लड़कों का एग्जाम फरवरी में है या मार्च में है, तो उन लोग के लिए गोल्डन चांस है कि आप अपना नंबर 10 से 12 क्वेश्चन आपका मैप वाला पोर्शन ये इतना एरिया कवर कर देगा, क्योंकि वो एटलस में बहुत ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है। जैसे अभी पूछा ना दक्षिणी अमेरिका के स्थलबद्ध देश पेरू, बोलिविया, एस्टुगार्ट्स में मैडम भीखा जी का माने तिरंगा लहराया था, एस्टुगार्ट्स कहाँ है 1907 में लहराया था जर्मनी में, तो ये सब टाइप का पूछा है। तो हम अपने एप्लीकेशन पर इसका इनरोलमेंट बंद किए हुए थे, हमको ये नहीं लगा था कि इससे इतना क्वेश्चन रेलवे में पूछ रहा है। तो आप इसके लिए हम अभी इनरोलमेंट चालू कर देंगे, आप उसमें ले सकते हैं इनरोलमेंट में स्टैटिक GK के लिए मैप वाला क्लास को, जस्ट खोल देंगे हम आपका 199 में, ये वाला आपके लिए फ़ायदेमंद है। और दूसरा जो बुक है करेंट अफेयर और स्टैटिक, जो नई बुक लॉन्च की है उसमें करेंट अफेयर और स्टैटिक दोनों है। तो जिनका एग्जाम अभी फरवरी मतलब मिड जनवरी या फरवरी मार्च तक है, उनके लिए स्टैटिक और करेंट दोनों चीज़ एक ही बुक में है। तो आप जो आपके हिसाब से सहूलियत लगे आप उसे देखिए, आप बुक को पहले बेहतरीन ढंग से देख लीजिए, उससे अगर आप पढ़ लेंगे तो स्टैटिक और करेंट नहीं छूटेगा और ये पोर्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि साइंस में उतना क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, ज़्यादा वो वेटेज दे रहा है किस स्टैटिक GK को ज़्यादा दे रहा है, करेंट से भी ज़्यादा वैल्यू स्टैटिक GK का। तो स्टैटिक के लिए आप ये मैप वाला ले लेंगे आप लोग के लिए बेहतर होगा, और वो आप स्टैटिक प्लस करेंट दोनों के लिए बुक है, आप उस बुक
को ले लेंगे। फर्स्ट लॉट बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, फिर आप ऑफिस इंक्वायरी पे फोन करके परेशान कर देते हैं कि बुक नहीं मिलता है। हम एक ही दिन बोलते हैं, बार बार हम नहीं ना बोलेंगे, फिर जो खत्म हो जाएगा तो फिर मेरे लिए सरदर्द हो जाएगा। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर हम आपको बताते रह रहे हैं, और वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया था। रीजन क्या था कि सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में आदमी एप्लीकेशन पर ही बिजी था। अब सिलेबस भी खत्म हो गया एप्लीकेशन पर, अब हम लोग मिलेंगे, लोग यूट्यूब पर भी मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।